good evening guys this is me Ashutkumar and now in this lesson we are going to discuss about the meritidium that is a sea anemone and in this lesson we will see all the topics that is related with this animal and uh, this comes under the phylum Solentrata and uh, without wasting time let us start the videos and if you are new my channel please like my videos share my videos and subscribe my channel to be updated for the upcoming videos now let us start दैट इज सिस्टमेटिक पोजिशन इसके बारे में देखते हैं किसका इसका सिस्टमेटिक पोजिशन क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं ये फाइलम सोलेंट्राटा में आता है क्लास एंथोजोवा जिसको हम लोग एक्टिनोजोवा भी बोलते हैं सब क्लासेस हेक्साकोरिलिया में आता है ऑर्डर एक्टिनेरिया जीनस इन मेरेटिडियम एंड स्पेसिज इन मोरागिनेटियम ठीक है मोरागिनेटियम ओके ना लेटर बी मूव ऑन डेट इज वाट हैबिट्स एंड हैबिटेट इसका क्या क्या हैबिट यानी कि आदत है और किस आवास में ये रहते हैं उसके बारे में जानते हैं हम लोग सी एनिमोन इज सोलिट्री मेराइन इन वार्म कोस्टल वाटर्स अलॉग द नॉर्थ अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट सी एनिमोन होता है वो सोलिट्री यानी कि सिंगल रहना पसंद करते हैं ये मेरीन एनिमल में पाए जाते हैं ये वार्म कोस्टल वाटर यानी कि ये गर्म मतलब वार्म कोस्टल वाटर ये ऐसे ओशियंस या मेरा सिस्टम में पाए जाते हैं जिनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है यानी कि टेम्परेचर उनमें वाराम टाइप का होता है ठीक है ये ज़्यादातर नॉर्थ अटलांटिक एंड पैसेफिक कोस्ट में पाए जाते हैं यानी कि जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर होते हैं उसके पैसिफिक कोस्ट के कोस्ट में ये पाए जाते हैं इट लिप्स इन ए सेल वाटर और लैटरल जोन और ये सेल वाटर यानी कि पानी के अंदर जो भी पत्थर का लेयर होता है उस लेयर में ये सबसे निचली पार्ट में ये पाए जाते हैं फिटिश कार्निवोरस फीडिंग ऑन माइनेट ऑर्गेनिज्म क्रस्टेशंस वाम्स एट्सेट्रा और ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जीव जंतु पर या फिर क्रस्टेशियंस या फिर वाम्स यानी कि अर्थ वाम लिच्स पे इसलिए ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए ओके ना देखते हैं इनका एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी क्या स्ट्रक्चर होता है इनके बारे में जानते हैं सेप साइज एंड कलर इनका सेप साइज सेप कैसा होता है साइज आकार कैसा होता है और कलर रंग कैसा होता है इसके बारे में जानते हैं मेडिटेरियम इज़ ए सिलेंड्रिकल एंड रेडियो सिमेट्रिकल एनिमल बिच मेजर्स फाइव टू सेवन सेंटीमीटर लेंथ और मेडिटेरियम होते हैं वो सिलेंड्रिकल या फिर रेडियोलीमेट्रिकल एनिमल होते हैं जो कि पाँच से सात सेंटीमीटर इनका लेंथ होता है इट्स कलर इज़ वेरिएबल इट्स का कलर वेरिएबल होता है यानी चेंज होते रहता है बट यूजली ब्राउनिश और येलोइ और ज़्यादातर ये ब्राउन कलर के या फिर येलो कलर के देखे गए हैं बॉडी इज क्लियरली डिविजल इंटू थ्री रीजन्स और इनका जो शरीर होता है वो तीन डिविजल तीन पार्ट्स में डिविजिबल होता है ठीक है ओरल डिस्क पेडल डिस्क एंड कॉलम ओरल डिस्क और पेडल डिस्क और या फिर कोलम में ये डिवाइड हुए रहते हैं देखते हैं इनके बारे में ओरल डिस्क क्या होता है ओरल डिक्स ओरल इंड ऑफ बॉडी और Oral disc is slightly convex and bears a slight like burnt central माउथ ठीक है ओरल डिस्क होता है वो मतलब ओरल ओरल माउथ या ओरल मतलब जो ओरल इंड होता है यानी कि मुंह का जिस टाइप होता है ना जैसे अर्थवाम हम लोग देखते हैं अर्थवाम का देखिए एक मिनट देख लेते हैं देखिए अर्थवाम में देखते हैं ये साइड ये मुंह रहता है ये क्या ओरल डिस्क रहता है इस साइड में मुंह रहता है और इसका जो ओरल इंड रहता है यही इसका ओरल डिस्क कहाला रहता है ठीक है ओरल डिस्क जो होता है ये क्या है कन्वैक्स टाइप का होता है कन्वैक्स जैसे हम लोग करें ना मिरर और कन्वैक्स ये कन्वैक्स टाइप का होता है ठीक है ऐसे टाइप का होता है और इसमें स्लीट लाइक सेंट्रल माउथ इनके मतलब सेंट्रल्स इनका सेंटर में जो कन्वेक्स पार्ट होता है उसका सेंट्रल यानी कि पूरा पूरे बीच में इनके माउथ पाया जाता है ओके इन सर्कलिंग द माउथ आर ए लार्ज नंबर ऑफ होलो टेंटिकल्स फॉर्मिंग ए स्लिट और ऑफ क्राउन ठीक है और इनका माउथ के चारों ओर जो होते हैं माउथ ऑर्गेन का इसका लार्ज नंबर ऑफ होलो टेंटिकल्स यानी कि बहुत सारे नंबर में इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि क्या बनाते हैं क्राउन का फॉर्मेशन करते हैं ओके अब देखते हैं पेडल डिस्क पेडल डिस्क क्या होता है एबोरल इंड ऑफ बॉडी इज ब्रूड एबोरल इंडिया यानी कि बॉडी का जो ऊपरी पार्ट होता है वो क्या होता है ब्रूड स्ट्रक्चर का होता है फ्लैट एंड कॉल्ड द बेसल और पेडल डिस्क इसको हम लोग फ्लैट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसल या फिर पेडल डिस्क कहा जाता है और या फिर उसको हम लोग पैर भी बोलते हैं विथ पेडल डिस्क द एनिमल गेट अटैच टू द सबस्ट्रेटम और पेडल डिस्क से सहायता से यह एनिमल सबस्ट्रेटम यानी कि किसी भी सब्सटेंस से ये अटैच रहता है यानी कि जुड़ता है यानी पकड़ में लाता है ठीक है नेक्स्ट इज द कोलम ऑर्ट इज कॉलम मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी बिच एक्सटेंड बिटवीन ओरल डिस्क एंड पेडल डिस्क इज रेफर टू एज द स्पेसेस और कॉलम और देखिए बीच का पार्ट जो कि जो कि ओरल डिस्क के लेकर के पेडल डिस्क के बीच में जो भी पार्ट आता है उसको हम लोग स्केपस या फिर कोलम कहा जाता है ठीक है कॉलम इज डिमेग्रेटेड फ्रॉम पेडल डिस्क कोलम को हम लोग डिमेग्रेटेड करते हैं पेडल डिस्क के द्वारा ये होता है ठीक है बी आई ए ग्रूव कॉल्ड स और इसमें ग्रूव होता है जिसको हम लोग लाइमबस बोलते हैं कोलम बियर से प्रोमिनेंट सर्कुलर फ्लोड फोल्ड द क्लोअर और परपेट एट इट्स जंक्शंस विथ औरल डिस्क और जो कुलम होता है वो उसके पास क्या होता है उसके पास प्रोमिनेंट आ, सर्कुलर फूड फोल्ड होता है यानी कि मुड़ा हुआ होता है ठीक है जो कि कोलोवार और या फिर परपेट उसको कहा जाता है जो कि इसके जंक्शन में प्रेजेंट होता है जो कि ओरल डिस्क के साथ होता है ठीक है स्किन इज इस सॉफ्ट और इसका स्किन जो होता है चमड़ा चमड़ी होता है वो बहुत मुलायम होता है बट टफ़ और बहुत मतलब हार्ड भी होता है एंड इज़ विथाउट स्केलेटन स्ट्रक्चर्स और इनमें कोई भी स्केलेटन स्ट्रक्चर यानी कोई भी हड्डी में नहीं पाया जाता है ओके नाउ दिस इज ऑल अबाउट टू डेजले माइ चैनल प्लीज लाइक माइडियो माइ चैनलेशन